आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द बाइक एंड कार शो में। आज हम बात करने जा रहे हैं टॉप 50 सेलिंग कार्स के बारे में, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो बिना गवाए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 50th पोजीशन पर जो गाड़ी आती है वो है MG Gloster की 458 यूनिट सोल्ड हुई है। ग्लोस्टर की जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 29,98,000 रुपीज। 49th पोजीशन पर जो गाड़ी आती है वो है रेनॉल्ट डस्टर की 494 यूनिट सोल्ड हुई है। डस्टर की जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 8,59,000 रुपीज। 48th पोजीशन पर जो गाड़ी आती है वो है डेटसन रेडिगो की 502 यूनिट सोल्ड हुई है। डेटसन रेडिगो की जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 2,83,000 रुपीज। 47th पोजीशन पर जो गाड़ी आती है वो है निसान मैग्नाइट की 560 यूनिट सोल्ड हुई है। मैग्नाइट की जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 5,49,000 रुपीज। 46th पोजीशन पर जो गाड़ी आती है वो है टोयोटा फॉर्चूनर की 584 यूनिट सोल्ड हुई है। फॉर्चूनर की जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 28,68,000 रुपीज। 45th पोजीशन पर जो गाड़ी आती है वो है होंडा जैस की 602 यूनिट सोल्ड हुई है। जैस की जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 7,49,900 रुपीज। 44th पोजीशन पर जो गाड़ी आती है वो है महिंद्रा XUV 500 की 750 यूनिट सोल्ड हुई है। XUV 500 की जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 13,56,000 रुपीज। 43 पोजीशन पर जो गाड़ी आती है वो है होंडा WRV की 930 यूनिट सोल्ड हुई है। WRV की जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 8,50,000 रुपीज़। 42 पोजीशन पर जो गाड़ी आती है वो है फोर्ड इकोस्पोर्ट की 934 यूनिट सोल्ड हुई है। इकोस्पोर्ट की जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 8,20,000 रुपीज़। 41 पोजीशन पर जो गाड़ी आती है वो है स्कॉडा रैपिड की 1,015 यूनिट सोल्ड हुई है। स्कॉडा रैपिड की जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 6,99,000 रुपीज़। 48 पोजीशन पर जो गाड़ी आती है वो है होंडाई वरना की 1,036 यूनिट सोल्ड हुई है। वरना की जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 9,02,000 रुपीज़। 39 पोजीशन पर जो गाड़ी आती है वो है मारुति सुजुकी एस क्रॉस की 1,185 यूनिट सोल्ड हुई है। एस क्रॉस की जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 8,40,000 रुपीज़। 38 पोजीशन पर जो गाड़ी आती है वो है मारुति सुजुकी सियास की 1,270 यूनिट सोल्ड हुई है। सियास की जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 8,30,000 रुपीज़। 37 पोजीशन पर जो गाड़ी आती है वो है टोयोटा अर्बन क्रूज़र की 1,762 यूनिट सोल्ड हुई है। अर्बन क्रूज़र की जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 8,40,000 रुपीज़। 36 पोजीशन पर जो गाड़ी आती है वो है वॉक्सवैगन पोलो की 1,805 यूनिट सोल्ड हुई है। पोलो की जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 5,87,500 रुपीज़। 35th पोजीशन पर जो गाड़ी आती है वो है होंडाई सेंट्रो की 1,960 यूनिट सोल्ड हुई है। सेंट्रो की जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 4,60,000 रुपीज़। 34th पोजीशन पर जो गाड़ी आती है वो है टोयोटा ग्लेंजा की 2,102 यूनिट सोल्ड हुई है। ग्लेंजा की जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 7,08,000 रुपीज़। 33 पोजीशन पर जो गाड़ी आती है वो है टाटा हैरियर की 2,223 यूनिट सोल्ड हुई है। हैरियर की जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 13,84,000 रुपीज़। 32 पोजीशन पर जो गाड़ी आती है वो है महिंद्रा थार की 2,670 यूनिट सोल्ड हुई है। थार की जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 9,80,000 रुपीज़। 31 पोजीशन पर जो गाड़ी आती है वो है होंडा सिटी की 2,717 यूनिट सोल्ड हुई है। सिटी की जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 14,64,000 रुपीज़। 38th पोजीशन पर जो गाड़ी आती है वो है टोयोटा इनोवा क्रिस्टा की 2,764 यूनिट सोल्ड हुई है। क्रिस्टा की जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 16,27,000 रुपीज़। 29th पोजीशन पर जो गाड़ी आती है वो है मारुति सुजुकी एक्सेल सिक्स की 3,088 यूनिट सोल्ड हुई है। एक्सेल सिक्स की जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 9,85,000 रुपीज़। 28th पोजीशन पर जो गाड़ी आती है वो है होंडाई ओरा की 3,113 यूनिट सोल्ड हुई है। ओरा की जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 5,86,000 रुपीज़। 27th पोजीशन पर जो गाड़ी आती है वो है मारुति सुजुकी इग्निस की 3,268 यूनिट सोल्ड हुई है। इग्निस की जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 4,89,000 रुपीज़। 26th पोजीशन पर जो गाड़ी आती है वो है महिंद्रा स्कॉर्पियो की 3,417 यूनिट सोल्ड हुई है। स्कॉर्पियो की जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 12,42,000 रुपीज़। 25th पोजीशन पर जो गाड़ी आती है वो है एमजी हेक्टर की 3,470 यूनिट सोल्ड हुई है। हेक्टर की जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 12,84,000 रुपीज़। 24th पोजीशन पर जो गाड़ी आती है वो है महिंद्रा XUV 300 की 3,974 यूनिट सोल्ड हुई है। XUV 300 की जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 7,95,000 रुपीज़। 23 पोजीशन पर जो गाड़ी आती है वो है रेनॉल्ट क्विड
रेनॉल्ट क्विड की 4,335 यूनिट सोल्ड हुई है। क्विड की जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 2,99,800 रुपीज़। 22 पोजीशन पे जो गाड़ी आती है वो है होंडा अमेज। होंडा अमेज की 4,385 यूनिट सोल्ड हुई है। अमेज की जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 6,17,000 रुपीज़। 21 पोजीशन पे जो गाड़ी आती है वो है रेनॉल्ट ट्राइबर। रेनॉल्ट ट्राइबर की 4,971 यूनिट सोल्ड हुई है। ट्राइबर की जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 5,12,000 रुपीज़। 28 पोजीशन पे जो गाड़ी आती है वो है महिंद्रा बुलेरो। महिंद्रा बुलेरो की 5,053 यूनिट सोल्ड हुई है। बुलेरो की जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 8,01,000 रुपीज़। 19 पोजीशन पे जो गाड़ी आती है वो है किया सेल्टोस। किया सेल्टोस की 5,608 यूनिट सोल्ड हुई है। सेल्टोस की जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 9,89,000 रुपीज़। 18 पोजीशन पे जो गाड़ी आती है वो है किया सोनेट। किया सोनेट की 5,959 यूनिट सोल्ड हुई है। सोनेट की जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 6,71,000 रुपीज़। 17 पोजीशन पे जो गाड़ी आती है वो है टाटा टियागो। टाटा टियागो की 6,066 यूनिट सोल्ड हुई है। टियागो की जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 4,70,000 रुपीज़। 16 पोजीशन पे जो गाड़ी आती है वो है टाटा ओल्ट्रोस। टाटा ओल्ट्रोस की 6,600 यूनिट सोल्ड हुई है। ओल्ट्रोस की जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 5,44,000 रुपीज़। 15 पोजीशन पे जो गाड़ी आती है वो है मारुति सुजुकी सिलेरियो। मारुति सुजुकी सिलेरियो की 6,660 यूनिट सोल्ड हुई है। सिलेरियो की जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 4,41,000 रुपीज़। 14 पोजीशन पे जो गाड़ी आती है वो है मारुति सुजुकी एस्प्रेसो। मारुति सुजुकी एस्प्रेसो की 6,787 यूनिट सोल्ड हुई है। एस्प्रेसो की जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 3,70,500 रुपीज़। 13 पोजीशन पे जो गाड़ी आती है वो है टाटा नेक्सॉन। टाटा नेक्सॉन की 6,835 यूनिट सोल्ड हुई है। नेक्सॉन की जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 6,99,000 रुपीज़। 12 पोजीशन पे जो गाड़ी आती है वो है होंडाई i20। होंडाई i20 की 8,004 यूनिट सोल्ड हुई है। i20 की जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 6,80,000 रुपीज़। 11 पोजीशन पे जो गाड़ी आती है वो है मारुति सुजुकी अर्टिगा। मारुति सुजुकी अर्टिगा की 9,177 यूनिट सोल्ड हुई है। अर्टिगा की जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 7,59,000 रुपीज़। 10th पोजीशन पे आती है होंडाई ग्रैंड i10 नियोस। होंडाई ग्रैंड i10 नियोस की 10,263 यूनिट सोल्ड हुई है। ग्रैंड i10 नियोस की जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 5,12,690 रुपीज़। ग्रैंड i10 नियोस के अंदर आपको तीन इंजन ऑप्शन मिलते हैं, जो कि 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन, 1.5 लीटर डीजल इंजन एंड 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन। की फीचर्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको 20.25 सेंटीमीटर की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, वायरलेस फोन चार्जर, प्रोजेक्टर हेडलैम्प जैसे फीचर्स मिलेंगे। 9th पोजीशन पे जो गाड़ी आती है वो है हुंडई क्रेटा। हुंडई क्रेटा की 10,592 यूनिट सोल्ड हुई है। क्रेटा की जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 9,99,000 रुपीज़। इंजन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको तीन इंजन ऑप्शन मिलते हैं, जो कि 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन, 1.5 लीटर डीजल इंजन एंड 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन। की फीचर्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको पेडल शिफ्टर, स्मार्ट पैनोरामिक सनरूफ, 26.02 सेंटीमीटर की HD टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, बॉश के प्रीमियम साउंड सिस्टम एंड फ्रंट वेंटिलेटेड सीट जैसे फीचर्स मिलेंगे। 8th पोजीशन पे जो गाड़ी आती है वो है मारुति सुजुकी इको। मारुति सुजुकी इको की 11,251 यूनिट सोल्ड हुई है। इको की जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 3,81,000 रुपीज़। इंजन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको 1.2 लीटर के सीरीज पेट्रोल इंजन मिलता है, इसके साथ साथ ये आपको CNG के अंदर भी अवेलेबल है। की फीचर्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको ABS विद EBD, ड्राइवर साइड एयरबैग, एयर कंडीशनिंग विद हीटर जैसे फीचर्स मिलेंगे। 7th पोजीशन पे जो गाड़ी आती है वो है मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा। मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा की 12,251 यूनिट सोल्ड हुई है। विटारा ब्रेजा की जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 7,34,000 रुपीज़। ये आपको चार वेरिएंट के अंदर अवेलेबल है। इंजन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको 1.5 लीटर के सीरीज पेट्रोल इंजन मिलता है। की फीचर्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको हील होल्ड असिस्ट, रेन सेंसिंग वाइपर, ऑटो फोल्ड ORVM एंड 7 इंच की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, जो एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करेगा। 6th पोजीशन पे जो गाड़ी आती है वो है होंडाई वेन्यू। होंडाई वेन्यू की 12,313 यूनिट सोल्ड हुई है। वेन्यू की जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 6,75,000 रुपीज़। इंजन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको तीन इंजन ऑप्शन मिलते हैं, जो कि 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन, 1.5 लीटर डीजल इंजन एंड 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन। की फीचर्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको एयर प्यूरीफायर, स्मार्ट इलेक्ट्रिक सनरूफ, रिमोट स्टार्ट एंड क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलेंगे। 5th पोजीशन पे जो गाड़ी आती है वो है मारुति सुजुकी डिजायर। मारुति सुजुकी डिजायर की 13,868 यूनिट सोल्ड हुई है। डिजायर की जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 5,89,000 रुपीज़।
ये आपको चार वेरिएंट के अंदर अवेलेबल है। इंजन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको 1.2 लीटर ड्यूल वीवीटी पेट्रोल इंजन मिलता है। की फीचर्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको TFT मल्टी इन्फॉर्मेशन कलर्ड MID मिलेगी, क्रूज कंट्रोल, आइडियल स्टार्ट स्टॉप जैसे फीचर्स मिलेंगे। फोर्थ पोजिशन पर जो गाड़ी आती है वो है मारुति सुजुकी वैगन आर। मारुति सुजुकी वैगन आर की 17,684 यूनिट सोल्ड हुई है। वैगन आर की जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 4,45,000 रुपीज़। इंजन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको दो इंजन ऑप्शन मिलते हैं जो कि है 1 लीटर पेट्रोल इंजन एंड 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन। की फीचर्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको 60-40 रेयर स्प्लिट सीट, 7 इंच के आपको टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, ड्यूल फ्रंट एयर बैग और इसकी जो बूट स्पेस है वो है 341 लीटर। थर्ड पोजिशन पर जो गाड़ी आती है वो है मारुति सुजुकी बलेनो। मारुति सुजुकी बलेनो की 18,030 यूनिट सोल्ड हुई है। बलेनो की जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 5,64,000 रुपीज़। इंजन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको 1.2 लीटर स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल इंजन मिलता है। की फीचर्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको न्यू स्मार्ट प्ले स्टूडियो सिस्टम मिलेगा, मल्टी इन्फॉर्मेशन कलर्ड MID, रियर पार्किंग कैमरा एंड फॉलो मी हेडलैम्प जैसे फीचर्स मिलेंगे। सेकंड पोजीशन पर जो गाड़ी आती है वो है मारुति सुजुकी स्विफ्ट। मारुति सुजुकी स्विफ्ट की 18,131 यूनिट सोल्ड हुई है। स्विफ्ट की जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 5,20,000 रुपीज़। इसके अंदर आपको चार वेरिएंट मिलते हैं। इंजन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको 1.2 लीटर VVT पेट्रोल इंजन मिलता है। की फीचर्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलेंगे विद LED DRLs, स्टेयरिंग माउंटेड आपको ऑडियो कंट्रोल्स एंड ड्राइवर ओरिएंटेड आपको कॉकपिट मिलेगा। फर्स्ट पोजिशन पर जो गाड़ी आती है वो है मारुति सुजुकी ऑल्टो। मारुति सुजुकी ऑल्टो की 18,140 यूनिट सोल्ड हुई है। ऑल्टो की जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 2,95,000 रुपीज़। इंजन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको 0.8 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है। की फीचर्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको ड्यूल फ्रंट एयर बैग, ड्यूल टोन आपको इंटीरियर मिलेगा एंड 7 इंच के आपको टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा जो एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करेगा।